नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। फेसबुक को लेकर भारत में विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया था, तो रविशंकर प्रसाद ने भी एक चिट्ठी लिखकर फेसबुक से शिकायत की। इन सबके बीच फेसबुक ने भी एक बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार पर फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई की। फेसबुक ने पाकिस्तान से संचालित 453 फेसबुक अकाउंट्स, 103 फेसबुक पेज, 78 ग्रुप्स और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, जो फेक न्यूज और भारत विरोधी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को इस मामले में चिट्ठी लिखी थी। गौरतलब है कि फेसबुक पर अक्सर आरोप लगता है कि वो भारत में राष्ट्रवादी विचारों को दबाने का काम करता है। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी लिखकर इस बात पर मुहर लगा दी थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाया था कि फेसबुक इंडिया में कई बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों को अपशब्द कहते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया मैनेजमेंट ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए थे या फिर उनकी पहुंच कम कर दी, जबकि फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए था। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के फैक्ट चेकिंग पर भी सवाल उठाया था। रविशंकर प्रसाद ने जकरबर्ग को लिखे चिट्ठी में सवाल उठाया कि फेसबुक के साथ एक बड़ी समस्या है कि उसने फैक्ट चेकिंग का जिम्मा थर्ड पार्टी को दे रखा है। ऐसे में वो कोई भी अफवाह फैलाने वाली पोस्ट आने पर बड़ी आसानी से इसे थर्ड पार्टी का काम बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है। यहां तक कि COVID-19 को लेकर देश भर में भ्रम फैलाने वाले कई पोस्ट फैलाए गए, जिसे फेसबुक ने क्रॉस चेक नहीं किया। भारत के खिलाफ ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में बैठे लोग कर रहे थे, जिनके मंसूबों पर फिलहाल तो फेसबुक ने पानी फेर दिया है।